यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। हम आज की क्लास में मॉडल पेपर थर्ड सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट हैं जो कवर रहेंगे। इसके पहले मैंने एक 10 मिनट की छोटी सी क्लास ली थी, जिसमें आपको एमपी एनएचएम का सिलेबस, पेपर्स और आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सभी चीज़ें बताई हैं। तो उसको भी जाके आप एक बार ज़रूर देखें। और जो भी लोग पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, तो मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उन पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन स्पेशली एनएचएम में या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रिपीट होके आते हैं। रिपीट का मतलब है कि कई बार वो क्वेश्चन आ चुके हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट सेक्शन है वो हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन स्किल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। तो जो भी लोग, मैं बता दूँ कि जो भी लोग जहाँ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, चाहे आप कहीं का भी एग्ज़ाम दे रहे हों, तो वो सभी पीडीएफ आपको अवेलेबल हैं। आपको ओनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उन पीडीएफ को परचेस करना है। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पर ऐड किया गया है वो है आपका हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन स्किल एनवायरमेंट हाइजीन। तो ये 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन तक आपको इसमें से एग्ज़ाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, What does was achieved by the WHO stand for? तो WHO ने क्या लाया था, was strategy लाई थी, क्या थी, was strategy लाई थी WHO ने, World Health Organization ने। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, Water sanitation and health, waste disposal sanitation and hygiene, water sanitation and healthy foods, water sanitation and hygiene। तो वॉस स्ट्रेटजी लाई गई थी पब्लिक हेल्थ के एरिया में, जिसमें यहाँ पर आपको वॉस स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट क्या था कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो और हाइजीन हो। तो वॉस स्ट्रेटजी का यहाँ पर जो वॉस टर्म है, इसका मतलब क्या है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग किसके लिए लाई गई थी, जो वॉस स्ट्रेटजी है पानी की सप्लाई को लेके, कि अच्छा पानी की सप्लाई हो, सैनिटेशन हो और हाइजीन हो। तो WHO का जो वॉस स्ट्रेटजी है, इसके कुछ गोल्स भी रखे गए थे। और यदि पूछें कि इसको लाया कौन था वॉस स्ट्रेटजी को, तो WHO ही लेके आया था इसके लिए। इसके तहत बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई, लेकिन इसका जो मेन फोकस रखा गया था वो क्या था, कि अच्छा पानी हो और जो भी पानी को लेके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, अच्छा सैनिटेशन हो और अच्छी हाइजीन हो। क्लियर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैथोजन रिमेंस वायबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड आउटसाइड द होस्ट। तो कौन से यहाँ पर पैथोजन है, कौन से टाइप के पैथोजन हैं जो लंबे पीरियड तक होस्ट की बॉडी के बाहर रहेंगे, जिंदा रहेंगे। लेटेंट पैथोजन, नॉन लेटेंट पैथोजन, नॉन परसिस्टेंट पैथोजन या फिर परसिस्टेंट पैथोजन। यहाँ पर कौन से पैथोजन हैं जो कि लॉन्ग पीरियड तक, कब तक, लॉन्ग पीरियड तक जिंदा रहेंगे इसकी होस्ट की बॉडी में। तो वो होंगे आपके कौन से परसिस्टेंट पैथोजन। एक होता है आपका परसिस्टेंट इन्फेक्शन, दूसरा होता है नॉन परसिस्टेंट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर यदि शॉर्ट टाइम की बात करें, कि कुछ थोड़े बहुत टाइम के लिए यदि आपकी बॉडी में कोई भी जो पॉजिटिव एजेंट है, पैथोजन है, वो रहे, तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं नॉन परसिस्टेंट। कौन से, नॉन परसिस्टेंट। लेकिन यदि यही पैथोजन लंबे टाइम तक क्या है, लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में रह जाएँ और वो भी ज़िंदा रहें, ताकि दूसरों की बॉडी में वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, तो कौन से कहलाएँगे आपके परसिस्टेंट पैथोजन। यहाँ पर ये देखिए, लेटेंट, नॉन लेटेंट और जो यहाँ पर परसिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो नॉन परसिस्टेंस, जैसे कफ का, जो कोल्ड कफ वाले हो गए, एक दो दिन में शॉर्ट टर्म में ही रहेंगे और ठीक हो जाएंगे। और जो लॉन्ग टर्म वाले परसिस्टेंट वाले, जैसे टीबी वाले हो गए, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल डज नॉट रिक्वायर। तो कौन सी थर्मल ट्रीटमेंट मेथड है जो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए यूज़ नहीं की जाएगी।
गैसीफिकेशन मतलब गैसेस का यूज़ किया जाना, इंसिनरेशन मतलब गड्ढा को सॉरी भस्मीकरण कहेंगे इसको, जला देना, क्लोरोलाइसिस या फिर पायरोलाइसिस, कौन सी मेथड है जो ज़रूरी नहीं होगी किसके लिए, वेस्ट डिस्पोजल को ट्रीट करने के लिए, तो वो होगी यहाँ पर कौन सी, पायरोलाइसिस, कौन सी मेथड, पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस एक ऐसी मेथड है जिसमें डीकम्पोजिशन ब्रॉट अबाउट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर डीकम्पोजिशन किया जाएगा। तो यहाँ पर थर्मल डीकम्पोजिशन मटेरियल के लिए यूज़ तो की जाती है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि थर्मल ट्रीटमेंट में वेस्ट को डिस्पोज करने में ज़रूरी नहीं है, तो वो है पायरोलाइसिस। क्लोरोलाइसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, इंसिनरेशन होगा, गैसिफिकेशन होगा, लेकिन यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा, पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस जनरली ऑक्सीजन की एब्सेंस में की जाती है, बाकी ये सभी चीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिसीज, तो वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन सा नहीं है। वेक्टर बॉर्न का मतलब है कि एक बीच में ट्रांसमिशन मोड के लिए एक है जो वेक्टर रहेगा, तो वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन सी नहीं है। ऑप्शन में है यहाँ पर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, लीशमानियासिस या फिर कोलेरा। तो जो वेक्टर बॉर्न डिसीज हैं, कौन सी वेक्टर बॉर्न डिसीज हैं यहाँ पर, कौन कौन सी हैं, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, चिकनगुनिया है, लीशमानियासिस है, लेकिन कोलेरा नहीं है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है, मलेरिया है, जीका वायरस है, सभी क्या है ये आपकी वेक्टर बॉर्न डिसीज हैं। वेक्टर बॉर्न डिसीज 17% तक इन्फेक्शन को कॉज करती हैं, WHO की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे मलेरिया के लिए एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो हो गया, एक वेक्टर है, डेंगू के लिए क्या है, एडीज मॉस्क्यूटो हो गया, चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर के लिए, सभी के लिए क्या है, मॉस्क्यूटो रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि एक तरीके से वेक्टर हो गए। लेकिन कोलेरा डायरेक्ट विब्रियो कोलेरा से होगा, तो यहाँ पर है क्या है, वेक्टर बॉर्न डिसीज में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द 4C फॉर गुड फूड हाइजीन, गुड फूड हाइजीन के लिए 4C कौन से हैं, क्लीनिंग, कुकिंग, कल्चरिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन, क्लीनिंग, कुकिंग, कटिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन, क्लीनिंग, कुकिंग, कॉम्पैक्ट पैकिंग, क्रॉस कंटामिनेशन, या फिर क्लीनिंग, कुकिंग, चिलिंग, क्रॉस कंटामिनेशन। 4C कौन से हैं गुड फूड हाइजीन के लिए, तो वो है यहाँ पर 4, क्लीनिंग, कुकिंग, चिलिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन से प्रिवेंट करना, क्या है, क्लीन करना फूड को, कुकिंग करना, ठंडा करना और क्रॉस कंटामिनेशन से प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। हाइजीन के लिए 4C हैं कौन से, क्लीनिंग, कुकिंग, चिलिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन। ये क्वेश्चन आपको न्यूट्रिशन में भी ऐड होके आ सकता है या फिर आपको इस तरीके से डायरेक्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट साइंटिफिक असेसमेंट ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल एंड केमिकल हैजर्ड्स दैट फॉर्म द बेसिस फॉर इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशन। तो कौन से इंडिपेंडेंट साइंटिफिक असेसमेंट हैं जो कि किसी भी चीज़ के लिए गाइडलाइन डिसाइड करेंगे कि इसमें कुछ केमिकल हैजर्ड्स या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल चीज़ें तो ऐड नहीं की गई हैं। ऑप्शन में कोडेक्स, एलिमेंटर्स, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटी नेटवर्क, सेफ्टी एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है जो यहाँ पर, क्या है जो इंडिपेंडेंटली अलग से एक तरीके से हमें कहेंगे किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ के बारे में पूरा एक केमिकल हैजर्ड तो नहीं है इस चीज़ में, माइक्रोबायोलॉजिकल चीज़ें तो नहीं है, वो क्या होगा, वो होता है आपका कोडेक्स एलिमेंटेरस। क्या है, कोडेक्स एलिमेंटेरस, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसको लाया गया था, कोडेक्स एलिमेंटेरस जो कि फूड स्टैंडर्ड के लिए है, किसके लिए है, फूड स्टैंडर्ड के लिए, जो WHO और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने और WHO ने मिलके 1963 में इस कंज्यूमर्स के लिए लाया था कि फूड के ऊपर जो लेबलिंग वगैरह होती है उन सभी चीज़ों के बारे में पहले पूरे तरीके से प्रॉपर चेकिंग की जाए। तो क्या है, कोडेक्स एलिमेंटरस कमीशन, जो कि
मई 1963 में यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, WHO एंड FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मई 1963 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अनदर नेम फॉर एक्यूट ब्लडी डायरिया। तो एक्यूट ब्लडी डायरिया के लिए कौन सा दूसरा नाम यूज़ किया जाएगा, कोलेरा, राइस स्टूल डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, पर डिसेंट्री। तो यहाँ पर परसिस्टेंट डायरिया तो तब कहा जाता है जब 14 दिन तक का हो जाए, कितना 14 दिन तक का डायरिया हो जाए तो वो कहलाता है क्या परसिस्टेंट। राइस स्टूल डायरिया तो एक कोलेरा का ही एक साइन है, किसका, कोलेरा का ही एक साइन है। फिर यहाँ पर ब्लड आ जाए, यदि लूज मोशन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाए तब उसको टर्म यूज़ किया जाता है, वो क्या है, वो रहेगा आपका डिसेंट्री। क्या होगा, डिसेंट्री। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल कौन से नहीं हैं, अ नॉन टू नॉन, पार्टिसिपेशन, क्रेडिबिलिटी या फिर रीइन्फोर्समेंट। हेल्थ एजुकेशन के, किसके, हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल कौन से नहीं हैं। तो हेल्थ एजुकेशन का एक प्रिंसिपल होता है इजी टू हार्ड, नॉन टू अननोन, इंटरेस्ट होना चाहिए, रीइन्फोर्समेंट होना चाहिए, मोटिवेटिव होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए और चेंजेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, अननोन टू नोन, कौन सा, अननोन टू नोन। और जनरली जो हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल होते हैं कौन कौन से रहेंगे आपके, क्रेडिबिलिटी रहेगा आपका, इंटरेस्ट रहेगा, साथ ही साथ आपके यहाँ पर जो ऐड नहीं हो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, रीइन्फोर्समेंट रहेगा, लर्निंग बाय डूइंग भी रहेगा, मतलब करके सीखिए, इस तरीके से जो प्रिंसिपल आपके ऐड रहेंगे, नॉन टू अननोन रहेगा आपका, कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल नहीं है वो आपका क्या होगा, वो होगा अननोन टू नोन, जबकि ये क्या होना चाहिए, नॉन टू अननोन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सेक्शन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया गया है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पैंक्रियाज दोनों का काम करती है, एंडोक्राइन का भी और एक्सोक्राइन का भी। तो जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पैंक्रियाज है तो इनमें से एक्सोक्राइन पैंक्रियाज का पार्ट कौन सा होगा, ऑप्शन में है यहाँ पर एसिनस एंड इट्स ड्रेनिंग डक्टल, लोब्यूल्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पल्प ए एंड पल्प बी। तो जो एक्सोक्राइन पैंक्रियाज है, क्या है, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम्स के लिए, किसके लिए, एंजाइम्स के लिए। और जो एंडोक्राइन है वो हार्मोन को रिलीज करेगी, क्योंकि पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन के लिए भी और एंजाइम दोनों को, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करेगी। तो यहाँ पर जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होगा वो कौन सा होगा, लोब्यूल्स, कौन सा, लोब्यूल्स। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस तो किस में आ जाएंगे आपके, ये आपके आएंगे एंडोक्राइन में। नेक्स्ट वन इज द वॉल ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स इज मेड अप ऑफ। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वॉल किससे बनी होगी, ग्लाइकोप्रोटीन से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब DNA से, ग्लोबुलर प्रोटीन से या फिर कार्बोहाइड्रेट से। तो किससे बनी होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की वॉल, तो ये बनी होगी आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन से, किससे, ग्लोबुलर प्रोटीन से। नेक्स्ट इज टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का टोटल जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाएगा, जेनेटिक्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जीनोम। क्या होगा, जीनोम। जेनेटिक्स तो अनुवांशिकी होगी लेकिन ओनली मटेरियल की बात की जा रही है तो क्या होगा, वो होगा जीनोम। नेक्स्ट इज 7.0 इज द न्यूट्रल pH वैल्यू ऑफ। तो सबको पता है कि जो pH स्केल होती है वो 0 to 14 तक होती है, 0 to 14 तक। अब जब 7 रेंज आती है दैट मीन्स क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल यहाँ पर कौन सी चीज़ होगी, यूरिन होगी, फ्लूड विद इन अ टिपिकल सेल, फ्लूड इन द टेस्टिकुलर वेन, ब्लड इन द रीनल आर्टरी। कौन सी है जो यहाँ पर
पीएच वैल्यू न्यूट्रल रहने वाला फ्लूड है तो वो होगा आपका कौन सा, वो होगा आपका फ्लूड विद इन अ टिपिकल सेल। कौन सा? फ्लूड विद इन अ टिपिकल सेल। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन इज प्रोड्यूस्ड इन एंड सीक्रेटेड फ्रॉम। जो हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन ये प्रोड्यूस और सीक्रेट कहाँ से होता है? बोन मैरो से, किडनी से, लीवर से कि हार्ट से? तो ये कहाँ से रिलीज किया जाएगा एरिथ्रोपोएटिन? तो ये रिलीज करती है क्या? किडनी। कौन रिलीज करेगी? किडनी। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस डाइल्यूट कार्बल फ्यूजिस इज यूज्ड फॉर। तो ये आपको NHM में क्वेश्चन आया हुआ है, NHM में क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि जो ग्राम स्टेनिंग की जाती है, ग्राम स्टेनिंग जो नेगेटिव ग्राम स्टेनिंग होती है, जील नेल्सन स्टेनिंग होती है, वो किस में होती है? वो होती है TB के बैक्टीरिया के लिए, लेप्रोसी के लिए। तो यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में डाइल्यूट है जो कार्बन फ्यूजिस यूज़ किया जाता है किसके लिए? तो किया जाता है काउंटर स्टेनिंग के लिए। किसके लिए? काउंटर स्टेनिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स कटिंग अ नर्व रूट टू रिलीव पेन इज कॉल्ड। तो आपकी बॉडी में नर्व रूट क्या करते हैं? जब भी आपको पेन वगैरह होता है तो सिग्नल देने का काम तो नर्व्स ही करेंगी। लेकिन यदि यही नर्व रूट क्या है, यही नर्व रूट यदि काट दिए जाएं तो क्या कहलाएगा? क्राई एनाल्जेसिया, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, राइजोटॉमी या फिर कॉर्डोटॉमी। तो यहाँ पर जब भी कुछ भी चीज़ काटने की बात की जाती है तो क्या वर्ड यूज़ होगा? तो वर्ड यूज़ होता है टॉमी। क्या होगा? टॉमी। लेकिन यहाँ पर क्या है, नर्व रूट को बात की जा रही है कि जहाँ से पेन हो रहा है उस नर्व को अलग कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा राइजोटॉमी। क्या होगा? राइजोटॉमी। और यदि जहाँ पर भी टर्म यूज़ किया जाए, क्या रेफरी मतलब कुछ भी रिपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर कॉर्डोटॉमी में भी जो स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ से नर्व कट की जाती हैं, लेकिन जब पेन के लिए नर्व को रिमूव किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, तो कहलाएगा राइजोटॉमी। क्या कहलाएगा? राइजोटॉमी। नेक्स्ट इज आयरन इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड इन द, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोलोन में, स्टमक में कि किडनी में? तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा किसका? आयरन का। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? यूटराइन स्कैन, कॉल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन, पैप स्मियर या फिर सिटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन। कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होगा सर्वाइकल कैंसर के लिए? तो वो होगा पैप स्मियर। कौन सा? पैप स्मियर। हाउ मच सॉल्ट इनटेक पर डे फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट इज रिकमेंडेड बाय द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के थ्रू यदि किसी मरीज को हाई बीपी की समस्या है तो यहाँ पर उसको सॉल्ट का कितना इनटेक करवाना चाहिए? 1800 mg पर डे, 2200 mg पर डे, 1500 mg पर डे या फिर 2000 mg पर डे। तो एक यदि किसी पर्सन को हाई बीपी की समस्या है तो उसके लिए कितना नमक देना है हमें? 1500 mg पर डे। कितना? 1500 mg पर डे। इससे ज़्यादा आपको सॉल्ट नहीं देना है। नेक्स्ट वन इज रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस लीड्स टू लॉस ऑफ। यदि बार बार आप चावलों को धोते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर विटामिन B12, B1, B6 या फिर B2। बार बार धुलते हैं, रिपीटिंग वॉशिंग ऑफ राइस लीड्स टू लॉस ऑफ विटामिन B1 और थायामिन। कौन सा? विटामिन B1 और थायामिन के लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पर, और यदि आपने खाने को ज़्यादा पका दिया तब कौन सा विटामिन का लॉस होता है, ये भी आता है वो विटामिन सी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग डायबिटीज मलाइटिस, यदि किसी को डायबिटीज मलाइटिस है तो क्या अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएटिव स्वीटनर या फिर प्रोटीन्स। यदि किसी को डायबिटीज है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऐसे केस में आप उसको क्या खाने के लिए मना करेंगे, तो वो होगा न्यूट्रिएटिव स्वीटनर, क्या होगा, मिठाइयाँ। अवॉइड करने के लिए यदि किसी को डीएम है तो वो होगा न्यूट्रिएटिव स्वीटनर। नेक्स्ट वन इज पाश्चराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, तो पाश्चराइजेशन कौन सी प्रोसेस है, रेफ्रिजरेशन की, हीटिंग की, क्रिस्टलाइजेशन की, क्रिस्टलाइजेशन की। तो पाश्चराइजेशन में जो मेथड अपनाई जाती है मिल्क को गर्म करके ठंडा करने की प्रोसेस, तो इसमें यहाँ पे कहा है कि ये प्रोसेस कौन सी है, तो ये होगी किसकी, गर्म करने वाली मेथड, कौन सी, गर्म करने के लिए, हीटिंग मेथड, एग्जाम में आती है, लुईस पाश्चर के थ्रू खोज की गई थी इस मेथड की। तो यहाँ पर दूध को बहुत ज़्यादा गर्म करके अचानक से ठंडा करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, पाश्चराइजेशन, और कौन सी प्रोसेस है, हीटिंग प्रोसेस। के लिए हेमरेज इन प्रेगनेंसी दैट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी स्कार्स और स्कार टिश्यू इन द यूट्रस विच डैमेज द एंडोमेट्रियम द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इट्स कॉल्ड एज। तो प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लीडिंग जो कि यूट्रस में किसी स्कार या फिर स्कार के अलावा कोई स्कार टिश्यू हो यूट्रस में उसके कारण हो रही हो, जो कि एंडोमेट्रियम जो कि लाइनिंग है यूट्रस की उसको डैमेज करने का काम करेगा, तो क्या कहलाएगा, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स हमने कई बार पढ़ा है, सर्वाइकल सर्वलेज के थ्रू ट्रीट किया जाता है, सेप्टेट यूट्रस, बायकॉर्नियट यूट्रस या फिर असरमैन सिंड्रोम। क्या है, असरमैन सिंड्रोम। तो कौन सी कंडीशन है, ये कहलाएगी जब ब्लीडिंग और हेमरेज प्रेगनेंसी में यूट्रस में किसी भी तरीके के स्कार के कारण हो रहा हो, जिसके कारण यूट्रस लाइनिंग एंडोमेट्रियम में डैमेज होती है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका असरमैन सिंड्रोम। या फिर जिसके लिए हम इंट्रायूट्राइन एडहेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें यूट्रस के अंदर या फिर सर्विक्स में क्या होगा, स्कार का फॉर्मेशन होगा, इसके कारण एंडोमेट्रियम डैमेज होगी, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, असरमैन सिंड्रोम। कहलाएगा असरमैन सिंड्रोम, जिसमें यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम वो क्या होगी, डैमेज होगी, और या तो जनरली DNC के डायलिटिस एंड क्यूरिटिस के कारण भी हो सकती है, या फिर कोई यूट्रस की सर्जरी की गई हो तो उसके कारण भी ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर आपको मेनली यही याद रखना है कि असरमैन सिंड्रोम में क्या होगा कि जो यूट्रस लाइनिंग है या फिर एंडोमेट्रियम है उसका डैमेज होना, ये या तो जब कोई सर्जरी यूट्रस की गई हो, हिस्टेरेक्टोमी किया गया हो, या फिर डायलिटिस एंड क्यूरिटिस किया गया हो अबॉर्शन के लिए, तब डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यदि कोई स्कार का फॉर्मेशन हो गया हो यूट्रस में, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, असरमैन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज वेयर डज द इम्प्लांटेशन अकर्स, इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में, एम्पुला में, ओवरीज में कि यूट्रस में। तो जो इम्प्लांटेशन होता है कहाँ पर, यूट्रस में। फर्टिलाइजेशन पूछते हैं तो कहाँ पर होगा, फेलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा, यूट्रस में। फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रेट ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ प्रीमी मदर्स विथ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। अब यहाँ पर इन्वोल्यूशन की बात हो रही है, यदि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो प्राइमी मदर में इन्वोल्यूशन मतलब कि यूट्रस वापस रिवर्ट होती है अपने नॉर्मल शेप में, तो ये कितने की जो रेट है वो क्या होगी, 0.95 to 1.6 सेंटीमीटर पर डे, 3 सेंटीमीटर पर डे, 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर पर डे या फिर 0.5 सेंटीमीटर पर डे। तो एक दिन में जब इन्वोल्यूशन की प्रोसेस की हम बात करते हैं, मतलब यूट्रस का वापस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होना,
यदि ये नहीं होती है तब क्या कहलाएगी, सब इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब हो रही है जो परपीरियम पीरियड होता है 6 वीक का, उसके अंदर तक के क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर रेट पूछा है कि एक दिन में कितनी जो इन्वोल्यूशन है प्रीमी मदर में देखने को मिलेगी, तो ये होता है 0.95 से 1.6 सेंटीमीटर पर डे, या फिर हम ये कह सकते हैं 1 से 1.6 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से क्या होगी, यूट्रस में इन्वोल्यूशन देखने को मिलेगा, मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस रिवर्ट बैक होगी। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के इंजेक्शन फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी में यदि विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है तो किस साइट पर दिया जाएगा, अपर आर्म, अपर थाई, एब्डोमन या फिर ग्लूटियल मसल्स में। तो विटामिन के का इंजेक्शन न्यूबॉर्न बेबी में दिया जाएगा कहाँ पर, अपर थाई में, कहाँ पर, अपर थाई में, और एज सून एज पॉसिबल दिया जाता है। डिलीवरी होने के बाद बेबी को एज सून एज पॉसिबल विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि हम उसको हेमरेज से प्रिवेंट कर सकें, इंट्रावास्कुलर और कहाँ पर, अपर थाई में। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन चेंज नॉर्मल गट फ्लोरा एंड इंक्रीज द चांस ऑफ ग्रोथ ऑफ क्लोरिस्टिडियोट्स डिफिसियाई लीडिंग टू क्रॉनिक डायरिया। तो यदि आपने लंबे टाइम तक कौन सी मेडिसिन खाई जिसके कारण जो गट के फ्लोरा है, गट में जो फ्लोरा रहेंगे वो क्या होंगे, डैमेज होने के साथ साथ इनका जो नॉर्मल तरीका है वो बदलेगा, और जो क्लोरिस्टिडियोस डेफिसाइल है जो कि लीडिंग कॉज होगा क्रॉनिक डायरिया के लिए वो बनेंगे। डायबिटिक ड्रग के कारण, एनाल्जेसिक के कारण, एंटी साइकेट्रिक ड्रग के कारण या फिर एंटीबायोटिक ड्रग के कारण। आपने लंबे समय तक, यदि आपने लॉन्ग टर्म तक एंटीबायोटिक्स ली किसी भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, तो आपके जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर कुछ अच्छे फ्लोरा भी होते हैं जो कि गट्स को मजबूत रखने का काम करते हैं, तो ये साथ में ये क्या हो जाएंगे, ये भी नष्ट हो जाएंगे। यदि ये क्या होंगे, इनमें डिस्टर्बेंस होगा या फिर इनकी जो साइज़ है वो घटेगी बढ़ेगी, तो लंबे टाइम तक डायरिया तो होगा ही होगा, लेकिन ये किस मेडिसिन के कारण होगा, तो होगा एंटीबायोटिक के कारण। क्या होगा, एंटीबायोटिक के कारण। हर एक जो मेडिसिन होती है उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। यदि आपने लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स खाए तब आपका वेट गेन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी वीक होगी। एग्जांपल के तौर पर आप मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं, अभी रिसेंट में इनकी एंगेजमेंट की फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी, उनको देख लीजिए, उनकी वो हालत स्टेरॉइड्स के कारण हुई है, उनने अस्थमा के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स लिए। तो यहाँ पर वही, कोई सी भी मेडिसिन लो आप, उसके साइड इफ़ेक्ट आपको ज़रूर रहेंगे। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक, यदि आपके जो बैक्टीरिया तो अच्छे बैक्टीरिया के सॉरी ख़राब बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मारने का काम करेगी, तो आपकी बॉडी को ही नुकसान होगा। नेक्स्ट वन, पॉजिटिव डेंसिटी इंडेक्स इंडिकेट। तो पॉजिटिव डेंसिटी इंडेक्स क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन, एवरेज डिग्री ऑफ पैरासाइटेमिया इन अ सैम्पल ऑफ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, द नंबर ऑफ सिक पीपल इन अ गिवन पॉपुलेशन। तो सिक पीपल का मतलब तो होगा मॉर्बिडिटी रेट, क्या है, मॉर्बिडिटी रेट। फिर यहाँ पर 1 साल से कम एज के बच्चों के लिए रेशियो होगा वो। फिर ऐसी पॉपुलेशन, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी कहा है, पैरासाइट इंडेक्स का मतलब होगा, पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स का मतलब ऐसी एक डिफाइंड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिसमें पैरासाइटेमिया देखने को मिलता है जो कि पैरासाइट्स के कारण ही होगा। तो यहाँ पर वो एक पॉपुलेशन क्या होगी, डेंसिटी इंडेक्स को शो करेगी। पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स कैसे पता चलेगा, कि द एवरेज डिग्री ऑफ पैरासाइटेमिया इन अ सैम्पल ऑफ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज एन इन्फेक्टिव मॉस्क्यूटो बाइट विल इन्फेक्ट। तो यदि कोई इन्फेक्टिव मॉस्क्यूटो आपको काटता है तो क्या इन्फेक्ट होगा, कोआगुलेशन, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। तो यदि इन्फेक्टिव मॉस्क्यूटो आपको बाइट करेगा तो आपकी क्या है जो डिस्टर्ब्ड होंगी, तो वो होगी आरबीसी, क्या होंगी, आरबीसी।
और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड सेल्स हैं, इरिथ्रोसाइट हैं जो सबसे पहले इफेक्ट होंगी, क्या होंगी, इरिथ्रोसाइट सबसे पहले इन्फेक्ट होंगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अनदर नेम फॉर लिवोनोजेस्ट्रॉल, लिवोनोजेस्ट्रॉल के लिए दूसरा नाम क्या है, नोवाटी, कॉपर्टी 380, मिरेना या फिर लिपेजलू। तो जो लिवोनोजेस्ट्रॉल है इसके लिए दूसरा नाम क्या यूज किया जाता है, मिरेना। क्या है, कॉपर्टी 380 है, ये 10 साल के लिए लगवाई जाती है। मिरेना और जो प्रोजेस्टासाइट है ये क्या है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, या फिर हम इनको ये कहेंगे थर्ड जनरेशन आईयूडी, प्रोजेस्टासाइट और मिरेना। तो मिरेना का जो दूसरा नाम है वो क्या है, लिवोनोजेस्ट्रॉल, जिसमें 20 माइक्रोग्राम लिवोनोजेस्ट्रॉल डेली रिलीज होता है और इसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 7 साल से लेके एज लॉन्ग एज 10 साल तक, इसको यदि बीच में जाए तो निकलवा सकते हैं। लेकिन जो प्रोजेस्टासाइट होती है इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन होगा और यहाँ पर डेली रिलीज करेगी 65 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन, 65 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन डेली रिलीज करेगा कौन, प्रोजेस्टासाइट, और इसको हर साल है जो रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट वन, एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ, तो एपिडेमियोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिजास्टर प्रिपेयरनेस, ह्यूमन पॉपुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। तो एपिडेमियोलॉजी में स्टडी की जाती है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज की। जॉन स्नो को फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। एपिडेमियोलॉजी में जो 3 triangle है और फिर 3 triad सिम्टम वो एग्जाम में आता है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। और यहाँ पर स्टडी किसकी की जाती है कि जो इन्फेक्शियस डिसीज का कॉज है, कहाँ से आया, क्या किस तरीके से फैल रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पर किसकी स्टडी से पता की जाती हैं, एपिडेमियोलॉजी के। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी डायग्नोसिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ, तो कम्युनिटी डायग्नोसिस रिटर्न स्टेटमेंट है किसका, हेल्थ नीड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम का, एनवायरमेंटल फैक्टर का, सोशल प्रॉब्लम्स का, पोटेंशियल प्रॉब्लम विथ एक्चुअल डायग्नोसिस, किसका है, कम्युनिटी डायग्नोसिस जो कि एक रिटर्न स्टेटमेंट है किसके लिए है, तो ये हेल्थ नीड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या है, हेल्थ नीड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड द मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इम्प्लाइज रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब कहाँ से इन्फेक्शन आया है, किस तरीके से, कौन सी मेथड से फैल रहा है, तो ये सब चीज़ें कम्युनिटी हेल्थ नर्स किस तरीके के रोल से पता करेगी, प्रिवेंटिव रोल से, क्यूरेटिव से, प्रमोटिव से, कि रिहेबिलिटेटिव रोल से, कौन से रोल से पता चलेगा ये कि जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है, किस तरीके से, किस मेथड से, ओरली फैल रहा है कि एयरबोर्न है, किस तरीके से स्प्रेड आउट हो रहा है, तो कौन से मेथड में आएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के कौन से रोल में आएगा, तो आएगा प्रिवेंटिव रोल में। किस, क्यों, क्योंकि दूसरों में होने से रोकने के लिए आपको प्रिवेंट करने का काम करना है कि इन्फेक्शियस एजेंट कहाँ से आया और किस तरीके से फैलता है। यदि आपने 2 चीज़ें पता कर ली तो आप दूसरों में इन्फेक्शन होने से रोक सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रिवेंटिव रोल ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन पर 1000 फॉर स्पेसिफिक एज ग्रुप इज कॉल्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ होती है एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन में पर 1000, 1000 में से, लेकिन एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में, तो ये क्या कहलाएगा, एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट, मॉर्टलिटी रेट या फिर एज स्पेसिफिक डेथ रेट। ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था डेमोग्राफी की क्लास में, क्वेश्चन 2023 में स्टाफ नर्स के एग्जाम में भी आया हुआ है। एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या है, ये कहलाएगा आपका एज स्पेसिफिक डेथ रेट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कोलोस्टोमी केयर, तो कोलोस्टोमी केयर का मेन पर्पस क्या है, टू हेल्प इन सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, टू इनहिबिट द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, टू प्रिवेंट इंटरनल हेमरेज, टू प्रिवेंट स्टोमा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। तो कोलोस्टोमी केयर की जाती है
कोलोस्टोमी केयर क्यों की जाती है, ताकि जो कोलोस्टोमी परफॉर्म की गई है उसके बाद कोई अदर कॉम्प्लिकेशन, स्पेशली स्टोमा को लेके कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो उसके लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्कैल्पेल्स, सूचर नीडल्स एंड ब्लेड्स आर सेग्रीगेटेड इनटू विच कलर बैग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें से लिया गया क्वेश्चन है ये, कि स्कैल्पेल, सूचर नीडल और ब्लेड्स है जो कि एक शार्प इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आएंगे, किस कलर के बैग में डिस्कार्ड किए जाएंगे और सेग्रीगेट करके इनको सेपरेट रखा जाएगा। ब्लू कलर्ड सेमी ट्रांसपेरेंट बैग, व्हाइट कलर्ड पंचर प्रूफ कंटेनर, येलो कलर्ड नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग या फिर रेड कलर नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग। तो यहाँ पर ब्लेड है, सूचर नीडल्स है, स्कैल्पल्स है, तो इन सभी के लिए पंचर प्रूफ कंटेनर में, वाइट कलर के पंचर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखा जाएगा। ये आपका स्टाफनर्स के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको प्लीज़ याद रखें। आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में हो सकता है ओनली ब्लेड्स पूछें, निडल पूछें, स्कैल्पल पूछें, किस कलर के बैग में डिस्कार्ड करेंगे, सेग्रीगेट करके रखेंगे आप, तो होगा वाइट कलर का पंचर प्रूफ कंटेनर। नेक्स्ट वन इज़, द पेशेंट इज केप्ट इन अ बे एंड एडिशनल प्रिकॉशन आर टेकन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ जर्म, दिस इज कॉल्ड। तो यदि किसी पर्सन को बे में रखा गया है कुछ स्पेशल प्रिकॉशन के साथ में, तो ये कौन सा नर्सिंग केयर में आपकी आएगा, आइसोलेशन में, मॉड्यूलर नर्सिंग में, प्राइमरी नर्सिंग में कि वेरियर नर्सिंग में। तो यहाँ पर जो वे में यदि किसी पर्सन को रखा जाता है, तो यहाँ पर वे में रखने का जो एक मेन कारण है वो क्या होगा आपका, वेरियर नर्सिंग प्रोसेस का, क्योंकि आप दूसरों में जर्म होने से, स्प्रेड होने से रोकना चाहते हैं, या फिर आपने उसके लिए ऐसा पार्ट जहाँ पर कोई ज़्यादा ना जा पाए, वही पर्सन बस अकेला रहे, ऐसी बिल्डिंग जिसको हम एक तरीके से आइसोलेशन भी कह सकते हैं, और ये क्या कहलाएगा आपका, बैरियर नर्सिंग। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी का मेन पर्पस क्या है, टू क्लियर म्यूकस फ्रॉम द नोज, टू क्लियर ब्लड फ्रॉम द लंग्स, टू क्लियर म्यूकस फ्रॉम द लंग्स, या फिर टू क्लियर इन्फेक्टेड ब्लड फ्रॉम वाइटल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द लंग्स। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी की जाती है, इसके लिए की जाती है, तो चेस्ट फिजियोथेरेपी, आपने आपके जोड़ों में दर्द होता है तो आपकी थेरेपी होती है, पीठ में दर्द होगा तो थेरेपी होती है, वैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी की जाती है कि लंग्स में जो भी म्यूकस हो उसको क्या किया जाए, क्लियर किया जाए, इसीलिए क्या किया जाता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी है जो परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा काम नहीं है, मूविंग वेस्ट आउट ऑफ द सेल्स, बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी, बैलेंसिंग हार्मोन सीक्रेशन, या फिर मूविंग न्यूट्रिशनल इन टू द सेल्स, कौन सा काम है जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में, वाटर को बैलेंस करने का मेन काम करेगा, जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का काम भी करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट का काम नहीं होगा वो होगा हार्मोन के बैलेंस को क्या करना, मेंटेन करके रखना, ये काम इलेक्ट्रोलाइट नहीं करेंगे, ये आपकी ग्लैंड करेंगी, बैलेंसिंग हार्मोन सीक्रेशन ये काम आपकी ग्लैंड करेंगी, ना कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर, इन विच डायरेक्शन डज द पिन्ना नीड्स टू बी होल्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कई बार आया है कि जब भी आप ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं ईयर का, तो आप पिन्ना को किस तरीके से होल्ड करेंगे, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, पुलिंग इट डाउनवर्ड या फिर पुलिंग इट स्ट्रेट बैक। तो बच्चों में पूछे यदि आपको, तब आपको आंसर अलग देना है, लेकिन आपको जैसा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि सेम एज इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आता है तो आप किसको आंसर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एज नहीं बताई गई है, तो होगा अपवर्ड एंड बैकवर्ड, पहले पीछे की तरफ, सॉरी पहले ऊपर की तरफ फिर पीछे की तरफ, यदि बच्चों में पूछें
तब आपको डाउनवर्ड और बैकवर्ड करना है, लेकिन यदि डायरेक्ट इस तरीके से पूछते हैं तो क्या करना है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। पर अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस RDAs, हाउ मैनी एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज आर नीडेड पर डे फॉर लैक्टेटिंग वुमेन बिटवीन 0 and 6 months? लैक्टेटिंग मदर को, नर्सिंग मदर को RDA के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है जब लैक्टेटिंग पीरियड 0 to 6 months तक का हो, जब माँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती है अपने बेबी को? 6 महीने तक का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड, जिसमें ओनली ब्रेस्ट मिल्क है जो दिया जाता है। अब यहाँ पर RDA के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरी की ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा कैलोरी की, +500 +520 +600 या फिर +350, कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी? पड़ेगी ज़रूरत कितनी, 350 किलो कैलोरी की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको इसी क्वेश्चन के साथ में देती हूँ, अभी हम आगे भी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो एक मैं आपको बताती हूँ कि जब यदि आपको प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछे कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत है, तब आपको कहना है कुछ भी नहीं, जो खा पी रही है वही काफ़ी है। लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रेगनेंसी में, क्योंकि मैंने आपको कई बार अलग अलग वीडियोस में पढ़ाया हुआ है कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं लेना है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में बेबी की ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, जितना खाते हैं उससे ज़्यादा। तो आप आंसर दीजिए कि कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है लैक्टेटिंग मदर में, यदि 0 to 6 months तक कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो कितनी ज़रूरत होगी, 350 कितना +350। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड इंक्रीमेंट इन प्रोटीन इनटेक ड्यूरिंग लैक्टेशन बेस्ड ऑन अ मिल्क प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ 11 g/L? अब यहाँ पर आपको बताना है कि कितने प्रोटीन की लैक्टेशनल पीरियड में नर्सिंग मदर है फीड कराती है अपने बच्चे को, तो 11 g/L के हिसाब से कितना प्रोटीन की ज़रूरत होगी, 20 g/day, 5 g/day, 15 g/day, फिर 10 g/day। डेली ज़रूरत की बात होती है तो वो होता है 15 g/day, कितना 15 g/day में, या फिर अर्ली लैक्टेशनल पीरियड में ज़रूरत होगी वो होगी 15 g/day। लेकिन उसके बाद क्या हो सकता है, कम दे सकते हैं, लेकिन इनिशियल टाइम में जो प्रोटीन की ज़रूरत होगी वो कितना होगा, 15 g/day। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ अ कंसाइज मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा अबाउट अ क्लाइंट एंड मेकिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली एक्सेसिबल टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल? तो ये क्या होगा जिसमें आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें जो पेशेंट के डेटा के अलावा किस तरीके से हेल्थ प्रोफेशनल उस डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कार्डियक सिस्टम, सोपी, पोस्ट कॉर या फिर स्वॉट, क्या हो गए? तो यहाँ पर एक कहलाएगा आपका कार्डियक सिस्टम। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि पेशेंट का 10-10, 20-20 साल पुराना रिकॉर्ड भी रखा हुआ होता है, तो इसके थ्रू पेशेंट का जितना भी रिकॉर्ड है, जो भी डेटा वगैरह होता है, वो एक प्रॉपर वे में आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और ये क्या कहलाता है आपका कार्डियक सिस्टम। क्या होगा, कार्डियक सिस्टम, जो आपने देखा होगा बहुत सारी फाइल वगैरह इस तरीके से स्टोर करके रखी जाती हैं, वर्टिकल में हो सकती है, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकती है, ये सब क्या कहलाता है, कहलाता है कार्डियक सिस्टम। पोस्ट कॉर आपने पढ़ा है मैनेजमेंट में, कार्डियक सिस्टम भी मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन है आपके लिए, कि जिसमें पर्सन का, पेशेंट का पूरा डेटा, रिकॉर्डेड डेटा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा होगा, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इजीली एक्सेस हो पाएगा, वो क्या कहलाएगा, कार्डियक सिस्टम। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज? तो पेप्टिक अल्सर का जो कॉमन कॉज है वो क्या है, एच पायलोरी इन्फेक्शन, रेडिएशन थेरेपी, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम या फिर क्रॉन्स डिसीज? तो पेप्टिक अल्सर का जो एक कॉमन कॉज होता है वो होता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी। क्या है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ एड्स. तो एड्स को डायग्नोज करने के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होगा. अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने वाला है. तो VDRL, CD4 सेल काउंट, वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट या फिर एलिजा टेस्ट. तो यहाँ पर जो टेस्ट किया जाएगा एलिजा भी किया जाता है, CD4 टी सेल काउंट होता है, वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट होता है. VDRL यूज़ किया जाता है सिफिलिस को डायग्नोज करने के लिए. अब यहाँ पर कन्फर्मेटरी टेस्ट कहा है. तो यदि डायग्नोस्टिक टेस्ट कहें तो आप CD4 टी सेल काउंट एलिजा कह सकते हैं, लेकिन कन्फर्म करने वाला टेस्ट होगा आपका वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट. CD4 टी सेल काउंट जब भी 200 से कम हो जाए, 200 से भी डाउन जाता है, मतलब पर्सन को HIV है. लेकिन कन्फर्म होगा किससे, कन्फर्मेटरी टेस्ट किसको कंसीडर किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट को. एग्जाम में आता है CD4 टी सेल काउंट कितने से कम हो जाए तो होगा 200 से. लेकिन यदि कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछते हैं तो क्या होगा, वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट VDRL सिफिलिस को डायग्नोज करने के लिए. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस. कौन सा वायरस है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए कॉज नहीं करेगा. रोटा वायरस बिल्कुल करेगा, पेपो वायरस, नोरा वायरस या फिर अरबो वायरस. तो अरबो करेगा, नोरो करेगा, रोटा वायरस करेगा. लेकिन जो क्या है, पेपो वायरस क्या नहीं करेगा, पेपो वायरस जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है इसको कॉज करने का काम नहीं करेगा. ये जो वायरस है डबल DNA स्ट्रैंड वायरस है, जो कि जनरली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है, और जो ह्यूमन पेपो वायरस जिसको पेपिलोमा वायरस कहते हैं वही वायरस है पेपो वायरस. तो ये क्या करेगा, आपको सर्वाइकल कैंसर कॉज करेगा, लेकिन गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करने का काम है नहीं करेगा. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज एसोसिएटेड विथ कापोसी सार्कोमा. कापोसी सार्कोमा से कौन सा वायरस रिलेट करेगा, ऑन्को एप्स्टीन वार वायरस, रूस सार्कोमा वायरस, साइटोमेगालो वायरस. तो कौन सा वायरस है जो कि कापोसी सार्कोमा से रिलेट सार्कोमा है, क्या है, कापोसी सार्कोमा, इसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होगा. तो वो होता है जनरली हर्पीज वायरस. लेकिन यहाँ पर हर्पीज वायरस के ऑर्डर का ही एक जो वायरस है वो है साइटोमेगालो वायरस, क्या है, CMV. और साइटोमेगालो वायरस जो कि कापोसी सार्कोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यदि आपको हर्पीज आ जाए CMV की जगह तो आप हर्पीज को मार्क कर सकते हैं. हर्पीज वायरस है जो इसके आगे की कैटेगरी, जो साइटोमेगालो वायरस है हर्पीज क्लास का ही वायरस है, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या किया गया है, CMV को मार्क किया गया है साइटोमेगालो वायरस को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, कापोसी सार्कोमा के लिए. और जनरली जो कापोसी सार्कोमा HIV के मरीज होते हैं उनमें देखने को मिलेगा, इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है और उनमें और कोई प्रॉब्लम होना बहुत ही ईजीली हो जाएगा.